तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रहे दोनों ब्लूटूथ स्पीकर। ये है अगारो चैप्टर 1 जो कि मार्केट में बिल्कुल नया है, और यह है बोट स्टोन 200। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, काफी लोगों को स्पीकर पसंद भी आया है। लेकिन इस स्पीकर को और इस प्राइस पॉइंट के जितने भी स्पीकर है ना, सभी को टक्कर देने के लिए मार्केट में आ चुका है अगारो चैप्टर 1। दोस्तों यकीन मानिए, जब ये स्पीकर मेरे पास रिव्यू के लिए आया था ना, तो मैंने सोचा था ये क्या लड़ेगा, लेकिन जब इसने लड़ना स्टार्ट किया ना, तो इसने अपने प्राइस पॉइंट के आसपास जितने भी स्पीकर है ना, जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्पीकर हैं सभी को इतनी बुरी तरीके से हराया है कि कोई सा भी स्पीकर इसके आसपास तक भी नहीं भटकता। क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, स्पेशली इसकी जो बेस क्वालिटी है ना, वो इतनी दमदार है कि आपको 100% पसंद आ ही जाएगी। तो ऐसे में अगर आप अपने लिए एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी सुन के आप सभी को मजा ही आ जाए, तो इस स्पीकर को आप अपनी लिस्ट में जरूर से शामिल करेगा। तो ऐसे में अगर इन दोनों का आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि दोनों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है, तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों स्पीकर के हम स्पेक्स को चेक कर लेते हैं। तो ये जो अगारो का चैप्टर 1 है, इसमें आपको हैंड फ्री का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कॉल वगैरह को आप अपने स्पीकर पर रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग का फीचर मिल जाएगा, 600 एमएच की बैटरी मिल जाती है। इसकी जो ब्लूटूथ रेंज है वो 10 मीटर तक दी गई है। साथ ही में इसमें आप 3.5 एमएम ऑक्स केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 3 वाट का स्पीकर मिल जाएगा। बॉक्स के ऊपर इसकी एमआरपी 2799 रुपए लिखी गई है, लेकिन ये जो स्पीकर आपको अंडर 1000 में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो म्यूजिक प्ले टाइम है वो तकरीबन 6 घंटे का दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बोट स्टोन 200 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है वो शॉक प्रूफ है। ये एक वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है, यानी अगर आपका स्पीकर गलती से पानी में गिर जाता है या फिर हल्की फुल्की बारिश में गीला हो जाता है तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। इसमें भी आपको 3 वाट का स्पीकर मिल जाता है, और इसका जो म्यूजिक प्लेबैक टाइम है वो तकरीबन 10 घंटे का यहाँ पर बताया गया है। बॉक्स के ऊपर इसकी एमआरपी 2990 रुपए लिखी गई है। तो चलिए अब जल्दी से दोनों स्पीकर को बाहर निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि किसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी एक दूसरे से बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर को मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। दोनों के बॉक्स में आप सभी को मेन स्पीकर मिल जाएगा, एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, साथ ही में आप सभी को चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल दोनों ही स्पीकर के साथ मिल जाते हैं। तो चलिए इन चीजों को करते हैं साइड में और बात करते हैं हम अपने मेन स्पीकर की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगारो चैप्टर 1 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर है वो देखने में काफी बढ़िया किस्म का लगता है, साथ ही में काफी कॉम्पैक्ट भी है। इसकी जो पूरी बॉडी है ना वो रबराइज्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है वो भी काफी बढ़िया किस्म की लगती है। आगे की साइड आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं उसमें काफी बढ़िया किस्म के फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और ये काफी मजबूत भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अगारो की जो ब्रांडिंग है वो भी मिल जाती है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे बटन्स मिल जाते हैं। आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, माइनस और प्लस का बटन मिल जाता है, साथ ही में आपको कॉल को रिसीव करने के लिए हैंड फ्री बटन भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे यहाँ पर पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। आपको ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाता है, आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट साइड भी यहाँ पर कुछ नहीं है। पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खाली है, जिसकी वजह से ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है। दोस्तों ये जो बोट स्टोन 200 है, आप देख सकते हैं देखने में काफी बढ़िया किस्म का लग रहा है, क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी है ना वो शॉक प्रूफ है। इसी कारण इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी मजबूत किस्म की दी गई है। आप देख सकते हैं आपको आगे और पीछे बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर काफी बढ़िया किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4 बटन मिल जाते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रैप भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही में आपको चार्जिंग के लिए भी पोर्ट मिल जाता है। नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ट्राइपॉड माउंट भी मिल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से दोनों स्पीकर के साउंड और बेस क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, जो कि मेन होता है। क्योंकि स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें साउंड और बेस क्वालिटी ही अच्छी ना हो ना, तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से दोनों के साउंड और बेस क्वालिटी को चेक करते हैं और जानते हैं किसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी एक दूसरे से बेहतर है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं बोट स्टोन 200 को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फोन की वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये स्पीकर की वॉल्यूम को भी हम फुल कर लेते हैं। We'll be right back.
तो चलिए अब अगारो चैप्टर वन की साउंड और बेस क्वालिटी को चेक कर लेते हैं और जानते हैं इसकी साउंड और बेस क्वालिटी कैसी है। तो इसे भी मैंने अपने फोन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सेम सॉन्ग को इसमें भी प्ले करने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं अपने फोन की वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ और स्पीकर की वॉल्यूम को भी यहाँ पर चलिए हम फुल कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों स्पीकर के मैंने साउंड और बेस क्वालिटी को अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है और आप सभी को भी इन दोनों का जो साउंड सैंपल है सुना दिया है। आप सभी को भी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि किसकी साउंड क्वालिटी किसकी बेस क्वालिटी एक दूसरे से बेहतर है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी मुझे बेहतर लगी है। तो दोस्तों इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ एक ही रिजल्ट है। ये जो अगारो का चैप्टर वन ब्लूटूथ स्पीकर है ना, इसी का जो साउंड है, इसी का जो बेस है वो दमदार है, लाजवाब है, शानदार है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का जो साउंड है, जो बेस है, मैंने अभी तक इस प्राइस पॉइंट के स्पीकर में नहीं देखा है। आपको इस प्राइस पॉइंट पे क्या, आपको 2000 रुपए तक के भी बजट में इस प्रकार का साउंड और बेस क्वालिटी नहीं मिलने वाला है। इसका जो बेस है ना भाई साहब, आपको मजा आ जाएगा इसका बेस सुन के। ये जो बोट स्टोन 200 है, इसके सामने तो बिल्कुल ही टिक नहीं पाया। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं जिसके साउंड और बेस को सुन के आपको मजा आ जाए ना, और आपके पैसे भी वसूल जाए, तो इसे आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। आपको पूरे मजे आने की गारंटी मेरी है। तो ऐसे में अगर आप इस स्पीकर को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं या फिर चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।